कबीर साहब एक शब्द दिए हैं, उसी पर थोड़ा चर्चा करूंगा, क्योंकि हम लोग जितने यहाँ हैं सभी हम लोग भक्त हैं। तमाम आदमी दुनिया का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई काली का भक्त है, कोई शिव का भक्त है, कोई गुरु का भक्त है, हर किसी व्यक्ति जो है हर कोई भक्त ही है। तो हम लोग सब यहाँ भक्त पहुंचे हुए हैं भगवान के दरबार में। इसी भक्ति पर सद्गुरु कबीर का एक शब्द है, संतो भक्ति सतो गुरु आनी, संतो भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, नारी एक पुरुष दुई जाया, बुझो पंडित ज्ञानी संतो भक्ति सतो गुरु आनी, संतो भक्ति सतो गुरु आनी, पाहन फोरी गंग एक निकली चहुदिस पानी पानी, पाहन फोरी गंग एक निकली चहुदिस पानी पानी, वही पानी दुई पर्वत बूढ़े, वही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी संतो भक्ति सतो गुरु आनी, संतो भक्ति सतो गुरु आनी, उड़माखी तरुवर को लागे बोले एके बानी, उड़माखी तरुवर को लागे बोले एके बानी, वही माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिनु पानी, संतो भक्ति सतो गुरु आनी, संतो भक्ति सतो गुरु आनी, नारी सकल पुरुष वे खाए ताते रहे अकेला, नारी सकल पुरुष वे खाए ताते रहे अकेला, कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला, संतो भक्ति सतो गुरु आनी, संतो भक्ति सतो गुरु आनी। ये सद्गुरु कबीर के मूल ग्रंथ है बीजक का दूसरे भाग का पहला शब्द है। सद्गुरु कहते हैं कि संतो, सबको अलग अलग करके समझाते हैं, संतो माने समस्त मानव, संतो भक्ति सतो गुरु आनी, ये भक्ति का परंपरा, भक्ति का आविष्कार, भक्ति का निर्वाण कौन किया? सद्गुरु संतों ने किया है। संतों ने मानव को भक्ति के माध्यम से कल्याण कान पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए एक रास्ता दिया है, वो रास्ता है भक्ति का। अस्थिर से बैठ जाइए माता लोग, शांति से बैठिए, बैठ जाइए लाइन लगा के आगे। अच्छा कृपया शांति बनाइए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति सतो गुरानी, सद्गुरु संतों ने भक्ति का आविष्कार किया। जैसे आज के वैज्ञानिक युग में बहुत सामान का आविष्कार हुआ है, मशीन का आविष्कार हुआ है, उसी तरह से भक्ति का आविष्कार सद्गुरु संतों ने किया है। और जो भक्ति करता है उसकी दशा पर थोड़ी चर्चा दिए हैं। भक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जितने हम लोग भक्त हैं सभी नारी रूप में हैं। क्या है? हम लोग जितने दुनिया में भक्त हैं नारी रूप में हैं। और नारी क्या किया? नारी एक और पुरुष दुई जाया, अकेले एक औरत दो पुत्र को पैदा कर दिया। एक कैसी अटपट बाती होगी, अकेले कोई औरत बेटा पैदा कर सकती है?
लेकिन भक्ति के मार्ग में सदगुरु कहते हैं कि नारी एक पुरुष दुई जाया। हम लोग भक्त हैं भगवान के सदगुरु के, तो भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से दूगो बेटा पैदा हो गया। बेटा का नाम है, एक का नाम है ज्ञानदास, एक का नाम है बैरागदास। अर्थात हमारे अंतःकरण में भक्ति के प्रभाव से ज्ञान और वैराग जग गया। ज्ञानदास बैरागदास, नारी एक यानी भक्त एक है, वो दो बेटा पैदा किया ज्ञान और वैराग को। ज्ञान वैराग जग गया। आगे कहते हैं पाहन भोरी गंगे की निकली, बैठ जाइए, चहुती से पानी पानी। जैसे हिमालय की चोटी पर बहुत सारे लोग हैं, गंगोत्री धाम कहते हैं, गोमुखी धारा कहते हैं, वहां से कंचनजंगा कहते हैं, वहां से गंगा नदी निकलती है और हरिद्वार में सरजमीन पर आती है। इसके बाद समतल भूमि आकर के उसका पानी जहां तक जाता है सारी जमीन उर्वरा हो जाती है, फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ उदाहरण देते हैं कि पाहन भोरी गंगा की निकली, भक्ति जो किया, यदि वो पत्थर हृदय का भी व्यक्ति हो, कठोर व्यक्ति हो, चांडाल हो, क्रूर हो, ऐसे व्यक्ति भी यदि संतों के सानिध्य में आते हैं और भक्ति करते हैं तो उनके हृदय से ज्ञान की गंगा की धारा फूट के निकल जाती है। देखते हैं जितने संत आए हैं सबके हृदय से ज्ञान की धारा निकल रही है, अनवरत निकल रही है। तो पाहन फोरी गंगे की निकली, पाहन मन होता कठोर, कठोर व्यक्ति भी यदि सदगुरु के शरण में आएगा, सत्संग में आएगा, उसके अंदर भी ज्ञान की धारा जरूर निकलेगी। गंगा निकली चौधरी से पानी पानी, वो ज्ञान गंगा की धारा चारों तरफ फैल गई। देखिए कबीर साहब आज से 620 वर्ष पहले हुए, उनके ज्ञान की धारा हिंदुस्तान के कई देशों में फैल चुका है। सदगुरु अभिलाष साहब की धारा विदेशों तक चली गई। आचार्य धर्मस्वरूप साहब की ज्ञान धारा कई देशों तक चला गया। यहाँ भी संत हैं बहुत घूमने वाले। ये ज्ञान गंगा की धारा, प्रखर धारा बहुत दूर तक फैल रही है। और क्या कहते हैं, वही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। वो ज्ञान गंगा की धारा इतनी तीव्रतम है, इतनी तेज धारा बढ़ी है कि उसमें दूगो पहाड़ डूब गया। अब विचार कीजिए कि पहाड़ कैसा है। पहले तो दूगो बेटा हो गया ज्ञानदास बैरागदास, यहाँ कहते हैं उस ज्ञान धारा में दो बड़का बड़का पहाड़ डूब गया। वो पहाड़ कौन सा है, अहंता और ममता। जो ज्ञानी होगा, जो बैरागी होगा, जो सत्संगी होगा, जो साधु होगा, जो साधिका होगी, सत्संगी होगी, उसका अहंकार मिट जाएगा और ममता भी मिट जाता है। क्योंकि मोह ऐसी रस्सी है कि आदमी को बांधता है और आदमी मोह की रस्सी में जकड़ जाता है तो संसार से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जिसको ज्ञान धारा मिलेगा उसकी अहंता ममता और पहाड़ उस धारा में डूब जाता है। आगे कहते हैं उड़माखी तरबर को लागे, बोले एके बानी। अस्थिर से बैठ जाइए, बहुत जगह आगे बैठ जाइए। जब बैठ हेले रहे ना, एकोटा माछी डूब के मरल हेतु बताऊ धा सा, न चिड़े मरल हेत न माछी, फिर से उड़ के ऊपर चल गए। साहब कहते हैं उड़माखी तरबर को लागे, बोले एके बानी। वही माखी को माखाना ही गर्भ रहा बिन पानी। यहाँ उदाहरण देते हैं भक्त का। जो भक्त होगा, भक्ति करेगा, उसकी मनोवृत्ति यदि मक्खी के समान थी। मक्खी क्या करती है, मिठाइयों पर खा लेते बैठ के, बातों दल के खा लेता, गंधों पर बैठ जाते, मक्खी हर जगह जाती है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि जो मन मक्खी के समान कुचाल चलता था और पवित्र जगह पर बैठता था, अब वो मक्खी उड़ करके ऊपर बैठ गई, पेड़ पर बैठ गई, उड़माखी तरबर को लगे। ये मन जो है मक्खी के समान चंचल है,
खादा खाद सबको खाता है। और जब सत्संग का रंग लग गया, सत्संग रूपी ज्ञान गंगा का गोता में डुबकी लगा लिया, ये मन रूपी मक्खी ऊपर पेड़ पर चढ़ करके सदगुरु का गुणगान करने लगी। ये दिया उदाहरण, उड़माखी तरबर को लागे। बोले के मानी, जो मन विषयावृत्ति था, विषय में रत रहता था, आज वो मन स्वरूपावृत्ति होकर के गगन में आकर के विराजमान हो रहा है। थोड़ा ध्यान का भी चर्चा आगे इसमें, जो मन विषयावृत्ति था, विषय में लगा रहता था, आज वही मन स्वरूपावृत्ति हो गया, स्वरूप ज्ञान का चिंतन करने लगा, चर्चा करने लगा। आगे कहते हैं कि नारी सकल पुरुष वे खाए। साहब कहते हैं नारी सकल पुरुष वे खाए। पहली कड़ी में कहें कि नारी एक पुरुष दूजाया, वो कौन नारी थी? भक्ति रूपी नारी। भक्ति रूपी नारी दो बेटा पैदा किया ज्ञान वैराग्य को। अंतिम कड़ी में कहते हैं सदगुरु कि नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला। यहाँ कौन नारी है? यहाँ माया को नारी कहा गया। माया माने सिर्फ औरत ही नहीं होता है, माया माने जितने आपका कारोबार है वो सब माया है। धन दौलत पुत्र पिता पति मकान दुकान जायदाद जमींदारी मिस्त्री नेतागिरी सब, ये सब के उलझन में जो फंसा वो माया में फंस गया। सदगुरु कहते हैं जो भक्त हो जाएगा इस माया से ऊपर है। अब आप पूछिएगा कि बाबा हम लोग खेती नहीं करेंगे, परिवार में तो माया से निवृत्त, माया से निवृत्त हो सकते हैं? एक ही उदाहरण देता हूँ, कमल तो यहाँ नहीं होगा, अरवी देखते कच्चू जाने जाना, कच्चू जो कल के पास होता है नदी के पास, कच्चू कीचड़ में पैदा होता है, और कच्चू पर थोड़ा सा पानी और कीचड़ दिए रहेगा, कच्चू पत्ता पर पानी दियो कीचड़ दियो तो रहते हैं छहल के गिर जाए। तो ये संत समाज और भक्त समाज इस समाज रूपी कीचड़ में है, लेकिन समाज का कीचड़ इसके ऊपर नहीं टिके, यही है बैराग्य का लक्षण, यही बैराग्य का लक्षण, यही है कि माया से अलग हो जाना। नारी सकल पुरुष में खाए, जो इस माया के चक्कर में रहता है, तमाम पुरुषों को खा गया, व्यक्ति के पुरुषार्थ को बर्बाद कर दिया, इसलिए माया के लोभ में माया के बंधन में नहीं रहिए, माया से अलग रहिए। ताते रहे अकेला, आप अलग होकर रहिए। जैसे केचू का गाछ होता है कीचड़ में और कीचड़ से अलग रहता है, खाएगा कीचड़े से, भोजन वही लेता है, सांस वही लेता है, लेकिन उससे अलग। उसी तरह हम लोग जितने संत गुरुजन हैं इसी समाज रूपी कीचड़ में रह करके इससे परे रहते हैं। ये सबको ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को, तब आप ताते रहे अकेला, उस माया से जंजाल से आप अकेला, मानसिक अकेला हो जाइए। कहे कबीर जो अब की बूझे, सदगुरु कबीर कहते हैं जो अब की बूझेगा वो गुरु होगा और हम उसका शिष्य बनने के लिए तैयार होंगे। तो सजनो, कबीर की एक एक वाणी अकाट्य है, बीजक मोटी ग्रंथ है, उसमें कबीर कहे बहुत सारी बात। कल मैं एक प्रसंग दिया था कि संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत पूर की आठो पर उपाधि। संतों का संग करो, ज्ञानियों का संग करो, विवेकियों का संग करो, वैरागियों का संग करो, क्योंकि जैसा आदमी को संग होता है वैसा उसका रंग होता है। संगत से आदमी का सुधार होता है और कुसंग से आदमी का बिगाड़ हो जाता है। इसलिए सदैव प्रयास रखिए कि सदाचारियों का संग हो जाए तो अच्छा है, ज्ञानियों का संग हो तो अच्छा है, विवेकियों का संग हो तो अच्छा है, क्योंकि मानव को जैसा संग मिले और कपड़े को जैसा रंग मिले। सूता बनता बिल्कुल सफेद होता है, कपास की रुई सफेद होती है, उसको सूता बनाया, कपड़ा बनाया, रंगरेज जिस रंग में रंग दिया वैसा रंगीन हो गया। तो कपड़े को जैसा रंग मिले और मानव को जैसा संग मिले उसी रंग में रंगता है और जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है।